वेलकम माय फ्रेंड, मेरे आई से फूड ब्लॉग में आपका कैसे है फ्रेंड। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड की वीडियो को आप स्किप करके मत देखो। अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे मैंने अपनी रेसिपी बनाई है। आज की हमारी रेसिपी है भुजिया नमकीन। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है भुजिया नमकीन। चलिए फ्रेंड, मैं अपना रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है सबसे अलग। बिना सांचा, बिना मशीन के बनाएंगे हम भुजिया नमकीन। खाली बोतल फेंकने से पहले फ्रेंड करें इसका इस्तेमाल। बाजार से लेकर आओ, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। 5 मिनट में बनाइए ढेरों सारा भुजिया नमकीन। आप चाहें तो इसको बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड, भुजिया नमकीन बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। आप चाहो तो इसमें मैदा भी या चावल का आटा भी मिला के बना सकते हो, लेकिन हम सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे। 1/2 चम्मच हम जीरा लेंगे, 1/2 चम्मच हमारा अजवाइन है, 1/2 चम्मच हमारा नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, 1/2 चम्मच हमारा हींग है, 1/2 चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है भुजिया नमकीन का। ये पतला हो जाए, गुठली ना पड़े हमारे बेसन में, अच्छे से मिक्स हो जाए। ना बहुत ज़्यादा हमें पतला रखना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। 1 कटोरी बेसन में ढेरों सारा भुजिया नमकीन बनके तैयार हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाही रखेंगे। कढ़ाही में तेल डाल के लिए रख देते हैं कि इसको गर्म हो जाए तेल हमारा। तेल हमें आधी कढ़ाई रखनी है लगभग में, इसको हम डालेंगे जब अपना भुजिया नमकीन बनाएंगे तो अच्छे से हमारा बन जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ना ज़्यादा गाढ़ा हमारा, ना ज़्यादा पतला है, गुठली भी नहीं पड़ी है, बहुत अच्छे से मिक्स होकर बन गया है हमारा ये। अब इसे हम भुजिया नमकीन बनाएंगे। आपके पास में अगर कोल्ड ड्रिंक वाला बॉटल हो तो आप उसको ले सकते हैं, या कोई बॉटल और भी हो सॉस का वो भी ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक वाला लिया है। फ्रेंड, आपके पास में अगर कुप्पी हो तो उसको ले लीजिए, अगर कुप्पी नहीं है तो एक बॉटल काट के कोल्ड ड्रिंक का या सॉस का इसमें ऐसे डाल लीजिए पूरा। डालने के बाद में तो ऐसे इससे भी आसानी से इसी में सारा आ जाएगा हमारा। अच्छे से इसको छेद कर लिए हैं, आप चाहो तो कांटे से भी इसको गर्म करके छेद कर सकते हो। इसी तरीके से पूरा छेद करना हमें। अब हम बॉटल को बंद कर देंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हो चुका, तेल का ऊपर आ गया है। ऐसे बॉटल को हमने अब दबा के ऐसे बनाएंगे। इसको डालने से झाग बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसे परेशान मत होइए। बहुत अच्छा भुजिया नमकीन हमारा बनेगा, धीरे धीरे फिर झाग खत्म हो जाएगा। बचे हुए तेल में फिर हम अपना मूंगफली का दाना भूनेंगे। मूंगफली का दाना हमें बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना है, स्लो करके ही गैस में भूनना है, नहीं तो जल जाएगा मूंगफली का दाना हमारा। आप चाहे तो भूने ना वैसे भी डाल सकते हैं, तेल में ना भूने वैसे ही भून सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उनको तेल में ही भूनेंगे। अब हम गैस को
को बंद कर देंगे। मूंगफली का दाना हमारा भून चुका है, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्रेंड भुजिया मूंगफली हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं जैसे आप खाना चाहें नमक। इसको भी हम मिक्स कर देंगे डाल के। इसको हम नमकीन में मिक्स कर लेंगे, काला नमक और चाट मसाला अच्छे से अपना। भुजिया नमकीन हमारा बनके तैयार हो चुका है, कितना ढेर हो सारा। इसको आप चाहो तो एक महीना इसको स्टोर करके रख सकते हो बना के। तो फ्रेंड फाइनली हमारी भुजिया नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप लोग देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची हमारी भुजिया नमकीन बनी है। तो आप लोग भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये भुजिया नमकीन की रेसिपी कैसी लगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने परिवार में मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।